हाँ, अब प्रोसीजर के हिसाब से देखो, पहले ये वाला ऑन होगा। देख, ये LED DC है और L9 AC है, ठीक है। LED DC यहाँ पे पहले ये वाला ऑन करना, फिर उसका स्टार्टर ऑन करना, फिर ये वाला ऑन करना, फिर ये वाला ऑन करना, ठीक है। L9 AC है, याद रखना, ठीक है। उसके बाद फिर तुम पहले बस बार के वोल्टेज को कैसे चेंज करोगे, ये देखो यहाँ पे लगाओगे बस बार का, तुम यहाँ पे दिखेगा वोल्टेज, ठीक है। वोल्टेज जहाँ पे जितना है उसके बाद उसका नीचे कर देना। उसके बाद यहाँ पे इसके थ्रू, ये DC वाला जो रियोस्टेट है उसके थ्रू हम चेंज करेंगे, और मशीन का जो वोल्टेज है वो कॉन्स्टेंट करेंगे बस बार से, ठीक है। और इस तरफ कॉन्स्टेंट हो जाने के बाद इसको निकाल देना। उसके बाद फिर इसको बस बार का फ्रिक्वेंसी चेक करना यहाँ से, ठीक है। बस बार का फ्रिक्वेंसी चेक किया, फिर मशीन का फ्रिक्वेंसी चेक करना, ठीक है। मशीन का फ्रिक्वेंसी इसके थ्रू चेंज होगा, ये रियोस्टेट, ये मोटर की तरफ लगा है रियोस्टेट, उसके थ्रू चेंज होगा, ठीक है। उसके बाद जब ये कॉन्स्टेंट हो जाए तो ये मशीन में ही लगे रहेंगे, उसके बाद चेंज करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद काम यहाँ से शुरू होगा, ठीक है। इस वाले को 1500 पे सेट करना है। 1500 पे सेट करने पे, बिल्कुल 1500 सेट होने पे एक कॉन्स्टेंट जगह पे आ जाएगा, ठीक है। उस कॉन्स्टेंट जगह पे हमने पावर एंगल, यहाँ से एंगल हम कैलकुलेट करना शुरू करेंगे, ठीक है। उसके लिए पहले क्या, हमारा देखो, हमारा जो फील्ड करंट जो हमने सिंक्रोनाइज किया था वो कॉन्स्टेंट रहेगा, 0.8 हमारे में आया, ठीक है। 0.8 आ गया, वो नॉर्मल है, हमारा नॉर्मल फील्ड करंट है। IL कैसे चेंज होगा, इसको धीरे धीरे आगे या पीछे करने से IL आगे या पीछे होगा, ठीक है। 5-6-7 वैल्यू पे रखना, थोड़ा आगे पीछे करने पे 5-6-7 वैल्यू पे हमें अलग अलग रीडिंग्स मिलेंगी यहाँ पे, वो हमें डाल देना है वहाँ पे, और उसके हिसाब से पावर एंगल यहाँ पे मिल जाएगा। इधर पावर एंगल इसके थ्रू मिलता है, ठीक है। इसके बाद फिर हम क्या बोलते हैं, फील्ड करंट फिर से चेंज करने के लिए, फील्ड करंट को अंडर एक्साइटेड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा पीछे करेंगे, पीछे आगे करने पे हमें 0.8 से 0.7 करना है, वो अंडर एक्साइटेड होगा। उसी हिसाब से फिर से हम यहाँ पे रीडिंग्स लेंगे अलग अलग, इसको थोड़ा आगे आगे करेंगे, आगे पीछे करने पे हमें अलग अलग रीडिंग्स के लिए अलग अलग पावर एंगल मिलेंगे, और अलग अलग IL मिलेगा, IF मिलेगा, अलग अलग चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। उसके बाद ओवर एक्साइटेड करने के लिए 0.8 से 0.9 चेक करना, ठीक है। 0.8 नॉर्मल था, उसके ऊपर 0.9 होगा तो हमारा ओवर एक्साइटेड हो जाएगा, ठीक है। ओवर एक्साइटमेंट चेक करना सारे, वैसे ही जैसे हमने बताया, उसको आगे करना, फिर ओवर एक्साइटमेंट सारे चेक करना, ठीक है। उतना ही है, थैंक यू।